तो दोस्तों चलिए ओपन करते हैं इसको। ये पहले से उन्होंने खोल के दिया था फ्लिपकार्ट वालों ने, और अभी इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये बॉक्स कुछ इस तरीके से, मैं अभी आपको दिखाऊंगा पूरा अच्छे से। पहले खोल के दिखा दूं एक बार क्या क्या चीजें मिली है इसके अंदर। ये यूजर मैनुअल है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ में वारंटी समरी वाला कार्ड मिला हुआ है, ठीक है। और ये अडेप्टर है, कुछ इस तरीके से है। तो दोस्तों जब मैंने ये चार्जर ऑर्डर किया था, और उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उन्होंने पहले सबसे पहली चीज जो बताई थी लोगों ने, वो ये बताई थी कि इसका जो प्रिंट होगा वो थोड़ा सा मतलब कि अच्छी तरीके का नहीं होगा, थोड़ा सा लोकल क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो मुझे प्रिंट यहाँ पे सही लग रहा है। मुझे भी अभी एक्जैक्टली नहीं पता कि मेरे को जो चार्जर मिला है वो ऑरिजिनल मिला है कि लोकल मिला है, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से डिटेल सब मैं सेम आ रही थी, ठीक है। और नीचे बताया था कुछ इस तरीके से सीरियल नंबर वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो इसको बैक करते हैं, इसको साइड में रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि मेरे को जो ये फ्लिपकार्ट से डिलीवर हुआ है इसके अंदर मुझे दो बुकलेट्स मिली है यूजर मैनुअल की। एक आप देख सकते हैं नॉर्मल है, और एक वारंटी समरी वाली है, ठीक है। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला था कि इसको खोल के देखना कि प्रिंट कैसा है इसका, ओरिजिनल है कि मतलब अच्छे से लिखा हुआ है या फिर थोड़ा थोड़ा मिटा हुआ है, और बोल्ड नहीं होना चाहिए ज्यादा, नॉर्मल होना चाहिए, और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रीमियम टाइप की। तो मुझे तो सबको सही लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो उसको साइड रखते हैं, लेकिन बस जो एक प्रॉब्लम है वो यही है कि उसमें तीन निकली थी उनके पास, मेरे पास दो ही निकली है। इसके बाद मैंने एक वीडियो और देखी जिसके अंदर एक बंदे ने यही चार्जर मंगाया था फ्लिपकार्ट से ही, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उसको भी डाले हुए वीडियो एक हफ्ता ही हुआ है शायद, तो उसकी वीडियो के अंदर भी ये दो ही निकले थे, लेकिन इससे पहले की जो वीडियोस डली हुई है सबके अंदर तीन यूजर मैनुअल्स निकले, और ओरिजिनल वाला बता रहा हूँ जो उन्होंने ओरिजिनल खरीदा उसके अंदर तीन निकले, पता नहीं अभी दो क्यों निकले यूजर मैनुअल, ठीक है। इसको साइड रखते हैं। अगर आपने बॉक्स अभी तक ढंग से नहीं देखा तो एक बार और देख लीजिए उसको, मैं थोड़ा सा अगर लेफ्ट मोड़ता हूँ तो ऐसा दिखेगा, एक बार और लेफ्ट मोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा, एक बार और लेफ्ट मोड़ने में कुछ ऐसा दिखेगा। नीचे से एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी चार्जर देख लेते हैं, इसके अंदर पूरा नीट एंड क्लीन है यहाँ पे अंदर, और काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी तो मुझे लग रही है, वैसे कुछ कह नहीं सकते। आजकल जो लोकल जो मिल रहे हैं, कॉपी जो मिल रहे हैं, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लाइट कलर का, एक चीज़ ये सही है क्योंकि जितने भी कॉपी वाले थे उसके अंदर ये जो लिखा हुआ था ये बहुत डार्क में लिखा हुआ था, और जो ओरिजिनल है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट लिखा रहता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे सही लगी, हो सकता है मेरे जो चार्जर है ओरिजिनल ही मिला हो मेरे को। अभी दो चेक और हैं वो कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये BIS केयर एप्लीकेशन है, आप भी डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है वेरीफाई करने का, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, तो उसको गो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिटेल दिखा रहा है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड जो है एप्पल का है, और बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि मेरे को कौन सा मिला है। तो अगर कोई ज्यादा जानकार है, कोई दुकानदार है जिसको अच्छे से सब कुछ पता है कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो वो कमेंट कर सकता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और बता सकता है कि मेरे पास जो ये चार्जर मिला है ये ओरिजिनल है कि लोकल है। तो दोस्तों इसके अंदर एक और टेस्ट है QR स्कैन वाला, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन हाँ जो वेबसाइट खुली है वो एप्पल की ही खुली है, apple.com। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2% बैटरी बची हुई है, और जो बैटरी का स्टेटस है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और बैटरी का जो चार्जिंग है वो 100% पे रखा हुआ है, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग है वो ऑन है, ठीक है। तो इसमें 80% वाला नहीं करा, 100% वाला है, तो पूरा करके देखेंगे चार्ज। अभी 2% है यहाँ पे, देख सकते हैं आप इसे, तो जल्दी से खत्म कर देते हैं फिर इसको चार्जिंग पे लगाएंगे ओरिजिनल चार्जर के साथ। तो दोस्तों अभी पूरी बैटरी इसकी डेड हो गई है फोन की, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं पूरी बैटरी डेड हो गई है। और यहाँ पे मैंने एक स्टॉप वॉच लगा दिया, इसको ऑन कर लेते हैं स्टार्ट, और मैं यहाँ पे इसको पावर पे लगा देता हूँ, देखते हैं कितनी देर में ये ऑन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट होने के बाद, मतलब कि 1 मिनट 40 सेकंड पे ये जो फ़ोन है अभी ऑन हो गया है, अभी 1% पे है। और मैंने आपको पहले दिखा दिया जो बैटरी है वो ऑप्टिमाइजेशन पे लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे भी वेट करेंगे हम, देखते हैं कितनी देर में ये चार्ज होता है। वैसे एप्पल का जो कहना है वो ये है कि 30 मिनट्स में, मतलब कि आधे घंटे के अंदर ये पूरा 50% चार्ज कर देता है मोबाइल को, तो वो भी अभी चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी 7 मिनट पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और जो बैटरी परसेंट है वो 9% हो गई है, जो कि अच्छी बात है। अभी वेट करते हैं और गाइस अभी यहाँ पे 11 मिनट हो गए हैं, 12 मिनट और यहाँ पे 20% मोबाइल पूरा चार्ज हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वैसे मुझे पता है कि 80% के बाद ये पूरा 40 से 50 मिनट लेता है 100 तक पहुंचने में 80 से, तो वेट करते हैं अभी, देखते हैं कितना टाइम लेता है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 19 मिनट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और 36% हो गया मोबाइल चार्ज पूरा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। देखते हैं कि 50% कितनी देर में होता है, और मुझे लग रहा है कि हाँ 30 मिनट के अंदर अंदर ये 50% हो जाएगा, जैसे कि एप्पल ने क्लेम किया है। तो चलिए वेट करते हैं।
सो गाइस मैं 30 मिनट में देखना भूल गया, लेकिन अभी 32 मिनट हो गए हैं चार्जिंग पे लगाए हुए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 57% ये कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब कि 30 से पहले ही ये 50% कंप्लीट हो गया था। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि ये 80% तक कितनी देर में पहुंचता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 53 या 54 पे ये हो गया था 80% कंप्लीट मेरा चार्ज। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दो, जो मेरा मोबाइल है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने इसको कवर से हटा दिया है, ठीक है। तो जैसे अभी ये 80% में पहुंच गया, तो अभी बिल्कुल भी गर्म नहीं है, पूरा ठंडा हो गया मोबाइल। और यहाँ से जो 80% है, यहाँ से बहुत स्लो चार्जिंग स्टार्ट होती है, और अभी ये 80 से आगे बढ़ने में इसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ देखी है, और उसमें सबके अंदर यही था कि 80 तक तो ये 50 मिनट में या 55 मिनट्स में हो जाता है 80% चार्ज, और उसके बाद जो होता है उसमें अराउंड 40-45 मिनट्स और लगते हैं 20% को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं वो भी कि कितना टाइम लगता है अभी। सो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं कि 80% पे रुका हुआ है, और ये जो है आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद ये स्टॉपवॉच इसमें रिस्टार्ट हो गया। मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर ऐसा होता है, ये कौन सी वॉच है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, 1 घंटे के बाद दोबारा से स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आपने देखा था कि 50-55 मिनट पे ही 80% पूरा कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद से 1% भी आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होता है, और मोबाइल जो है वो भी पूरी तरीके से ठंडा हो गया मेरा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर रहन देते हैं, अगर आपको देखना होगा तो आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने 100% तक करके दिखाया। मुझे थोड़ा काम भी है अभी मोबाइल में, और मैं अपने मोबाइल को सिर्फ 80% तक ही चार्ज करने वाला हूँ, ताकि इसकी बैटरी लाइफ लंबे समय के लिए अच्छी रहे।